बीड़ी सी गली है लेकिन बंगला बहुत बड़ा है। बार बहुत रुक के मारा है नवीन जैन भाई, ये समाज की बात, छत्ती बिरादरी की बात, और 42 आन बंगला बना रखा है। यू बैर तो ऐसा दिखा है, बैर तो हमने दिखता है खंडर सही। तेरे कुछ बात समझ भाई? हाँ बेटा। पहले नू बता नवीन, ओड़ा तो नू कर दू यू कर दू घर पापड़ पाटे पड़े हैं भाई, हाथ जोड़ू सू मेरे बेटे की जिंदगी जिंदगी बनाए रखो भाई, किसा की देश सेवा तो करे सा। का के दिन मा वगरा ओ एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल मा आओ। ओड़ा नवीन जैन बड़ी बड़ी बात करा आड़ा घर ताई नू कबिला कर की तो माले नहीं करे की मैं जी ना आड़ मारत 20 साल हो गए मेरे ते, मन देखे के 2-3 साल हो गए घर कुछ करते नहीं हो कानून नहीं, वो आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं यहां पे। स्वर्गीय सुबेदार राम कुमार दादा दादी है नवीन जैन के, पहली बार इस टाइम तुम देख रहे हो। दुनिया का गांव का पानी गंद पड़ा है मेरे घर में, यो भी उठा नहीं होता मारे तो बेटा। अच्छा ये घर आई बता, सारे काम बैठे मन तो नहीं हुई सोचा, मत अपने बेटे नहीं हूँ बेटा था, मन नहीं हुआ था, मैं तो देश की सेवा कर तू। अच्छा बस मैं हाथ जोड़ू तेरी जिंदगी बनाऊ, तू देश की कर, नहीं हुई जन्म था बेटा। मैंने ऑटोमेटिक चप्पल जो कि आपको मजबूर कर दे कांडा लग दे थाले पैर, नहीं तो और बैठा भीतर कांडा। आंसू भी ना दिखाऊं करो वैसे यार, बीमार शमार की दे इसे मेरी तो सारी रात नींद नहीं आ, उठी खड़ी रहूं उस। ये जो बातें आई थी अगर नवीन जैन ने बिरन के क्या कर लिया, क्या की है, क्या की नहीं, यह वह हकीकत जिसके ऊपर तो मैंने पर्दा उठाया है, रजाई का उछाड़ तैरा है और तरत दिखाया है, लोग गड़कड़ करते बैठ रहे हैं। नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ये कहना चाहेंगे हम, कोई अड़चन ना आए, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बहुत अच्छे से मनी। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। इस टाइम रोहतक का बैसरू कला ते मैं लाइव जुड़ गया हूँ। नवीन जैन का आलीशान बंगला कल परावर में, हालांकि जयंती मनाई जा रही है भगवान परशुराम जन्मोत्सव, लेकिन उससे पहले रजाई का उछाड़ तारण और खाट का बाण सा उधेड़न में पहुंचे हूँ। आपने बेरा होगा खुड़का दुड़का बहुत कर रखा नवीन जैन ने, उसका गांव में मैं पहुंच गया हूँ। मेरे तक गुप्त सूत्र काला ने बताई भाई, औरत तो यू नू दिखाओ भाई, ये बात वो बात और नू कर देंगे नू कर देंगे, और आलीशान बंगला करता है क्या, आलीशान बंगला। फिलहाल मैं गांव के अंदर उनका घर पे पहुंच गया हूँ और ये पड़ताल हम कर पहुंचे हाँ। फिलहाल यू देखो यू आलीशान बंगला, यू बैर तो ऐसा दिखा है, बैर तो हमने दिखता होगा खंडर, देखियो बैर तो खंडर दिखता होगा, लेकिन मैं बताया दू तो हमने यू भीतर तो बहुत आलीशान है, जो तो हमने भीतर लेकर चलूंगा नू लिख ले मोहित पर लगाने बुरान कर दे रोटेट। चलो बीड़ी सी गली है लेकिन बंगला बहुत बड़ा है। बार बहुत रुक के मारा है नवीन जैन भाई, ये समाज की बात, छत्ती बिरादरी की बात, और 42 आन बंगला बना रखा है। आज ये देखो एक बार ये बीड़ी गली दोबारा दिखा, दुनिया की सबसे बीड़ी गली आप इस्टम देख रहे हो, दुनिया की सबसे बीड़ी गली है, मेरी कोनी बीड़े है, हालांकि मैंने अरसोला में कही थी उससे बीड़ी गली है, तो अरसोला गांव तो बीड़ी। चलो फिलहाल उसके घर आप पहुंच लिया, और खुट्टे ठोकने की बात आओगी तो नवीन जैन पे इस चीज का कॉपीराइट है, खुट्टे ठोक का नाम तो मशहूर है नवीन जैन, खुट्टा ठोक यू खुट्टा नुआ ठोक रहे क्या कर खुट्टे ठोक रहे, चलो नुआ ठोका खुट्टे। चलो फिलहाल मैं बता दूं वो तो एक खंडर था, यू आप देख रहे हो इस टाइम नवीन जैन का आलीशान बंगला, पापड़ पैटे पड़े हैं, ये बैर बैर तो पापड़ पाटे हैं, इतर बेरन केल को रहे हूँ, देखो दिखाई भाई बुरान ए ए यू आलीशान बंगला, इस ना का पापड़ पटना, ये पापड़ पटन लग रहे हैं, ये पापड़ पटन लग रहे हैं, ये नवीन जैन का आलीशान बंगला है। फिलहाल हम अंदर प्रवेश कर गए हैं, और ये देखो भाई 72 इंच की एलईडी लाइट चास भाई, लाइट चास दे, ये 72 इंच की एलईडी आजकल कितने दिखा था हमने, ये नवीन जैन का आलीशान बंगला में है। और तो और देखो ना फीचर देखो, शीशे तो सारे लाके पा जाएंगे लेकिन सिस्टम यू फीचर, सिस्टम को सुराग करण का फीचर, और भीतर को इनकी जो माँ है वाह देख है जग जग है, कौन बढ़ गया ये बता दें कौन बढ़ गया। हाँ भाई चलो फिलहाल आप देखो ये
इस टाइम पहली बार कैमरा पे नवीन जैन का तो आलिशान बंगला वो भी देख रहे हो, उनका घर देख रहे हो, जितने भी दर्शक हैं मुझे लग रहा है शेर सवा शेर बब्बर शेर करते, क्योंकि कल प्रावर में नवीन जैन मतलब भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने लगे है। ताई राम 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 भाई, भगवान परशुराम की जय हो। यू पक्का पाड़ा पिट रहा सारा कुंबा। ताई तेरे कुछ बात समझ माई हबीता, पहले बता नवीन ओड़ा तो नू कर दू यू कर दू घर पापड़ पाटे पड़े हैं भाई के करो वो ईसाईता आवे ना कुछ दे। अरे ये तीन भाई और सदो ये बिमला बिमला अच्छा। अरे घर बैठे बेटा कित जाऊ पैसे घर बनाने, अरे वो भी दूंगा घर में देंदा नहीं कुछ ना देता वो क्या दे वो नु कह दे मैं कित जाऊ थर ताई मेरे के मिल रहा मन नहीं मिलता कुछ मैं कड़े ते जाऊ। नौकरी नौकरी लागी तेरे पास है? नौकरी लागी थी कई थी ना ठीक है मुझे मैं ना करूँ नौकरी क्या करेगा फिर के क्यों मैं करूँ बेटा मैं क्या बताऊँ ये क्या क्या अगर क्या करे तुम पूछ दे तो क्या करे भाई रो वो नहीं हुआ मैं तो देश सेवा करूँगा देश सेवा हाँ मतलब अपना दर्द तनुए हाथ जोड़ू चल देश सेवा कर ले भाई हाथ जोड़ू सू मेरे बेटे की जिंदगी जिंदगी बनाए रखो भाई किसा की देश सेवा तो करे सा है क्या क्या दिन माँ वगैरह वो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल माँ आवे कितनी देर खतरा दो मिनट मन ने तो दो मिनट दिखा अगर बेटा फिर उसके बाद उसके बाद वो तो नहीं मैं तो बीजी सू चला जाएगा जब भाई बीजी। हाँ बीजी चलो फिलहाल माता जी है बिमला देवी नवीन जैन की माँ पिछना करने लग रही है के बाद बहू कड़ा है बहू नहीं कर दी बहू बेटा वे छोटे बालक से बहू आ पे इब हमने भी करना चाहिए बूढ़े बुजुर्ग ने थोड़ा घना काम है हम भी ले चलो ये तो कहने की बातें हैं सामान पाओगा मैं संदूक भी चेक करूंगा फिलहाल आप देखो आजो पीछे आजो ये देखो एक तो या देखो मर्सिडीज खड़ी है बरना के देख लो मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है अरोड़ा नू का बोला मनु करूंगा ये करूंगा ये देखो फिलहाल आप देखो दादा जी इनके जो है नवीन जैन के वो सूबेदार रहे हैं आर्मी में राजकुमार रामकुमार सॉरी ऊपर देख लो भाई छतरी लग रही है बिल्ली भी नू देखना रही कोना रहा करमुआ रहा है। अच्छा अंकल जी कहाँ है ताऊ मरा अच्छा अच्छा सारी बात सुन गया आप बैठे बैठे उड़े राम राम दो राम 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 क्या नाम है जी आपका धर्म प्रकाश जी धर्म प्रकाश जी थोड़ा प्रकाश डालो ओड़ा नवीन जैन बड़ी बड़ी बात करा आड़ा करा ताई नू कबिला कर के तो माले नहीं कर रहे मैं ना जी ना आड़ मारद 20 साल हो गए मेरे तो मन देखे भी कि 2-3 साल हो गए। अच्छा ये समाज सेवा में इतना मन रहा हो फिर की समाज सेवा का तोड़ा पड़या है दिखा ना पड़ रहा ओस बोला है या तो भाई समाज सेवा का असर आड़े पड़ रहा है यू असर आड़े पड़ रहा है देखो फिलहाल शुभ दीपावली है आज ही बुरानता आज बाकी मेरा डाउट तो हो रहा था मुझे कहते दिखावा कर रहे हो पाओ घमाल तो इनका हाँ ताई रसोई में कड़े तैयार थारी वहां टोकनी कड़े प्राणी पुरानी अरे कपड़े मुझे टोकनी में पाओ बाकी पुरानी मैं तो पानी भर के जाकर आज भाई आज मित्र आजा देखे ताई तुम मेरे कहले के लड़ा ले कहते नू और कहते बोले फिर इनकी लेगा ठाके अरे कुछ ना दे ये पागे बात देख मैं कहूँ था नहीं ये धर रहे हैं कुछ ना कुछ तो संदूक तो नहीं है देखे अच्छा तेरा कौन सी है संदूक में बंदूक कौन सा है कुछ बंदूक ना है खाली करके देख रहा हूँ खाली हुए बैठे अच्छा खाली हुए बैठे हो फरसे फुरसे कूलर रख तो कूलर दिखा जाले नहीं दिखे तेना संदूक में बंदूक है अरे कुछ ना भाई बेटा पीछे हट जा बेटा तू पैर पे पैर आ जा अरे चिमकी में कुछ ना है पास गए देख दाई माँ इन बातों के मोबाइल हाँ ये देखो भाई हैं नेटवर्क की डिवाइस देख रखा है टूटी पड़ी संदूक क्या है दादी की का टूटी पड़ी संदूक अच्छा और भाई ने यो यो एक मिनट उड़ाना तेरा उड़ाना उड़ाना ये उठा खुल जा सिम सिम ले खुल जा ये यो भाई छोड़ जाने देर ताई सूट दरी अच्छा मैं तो ये पार्टी पुराने कर जा तीर दादा वे अपनी को ना अच्छा ये इसकी ये दादा जी ये दादा दादा जी की तस्वीर ये देखो भाई आर्मी में रहे हैं सूबेदार स्वर्गीय सूबेदार राम कुमार दादा दादी है नवीन जयंत के पहली बार इस टाइम तो हम देख रहे हो उनका करता लाइव तस्वीरें यही है पहली बार आप देख रहे हो नवीन जयंत का करता लाइव तस्वीरें हैं बैसरू कला है रोहतक में भाई हूँ टंकी करवाता ही चक्र टंकी आ जा
फरसे कट लगो रे तुम फरसे अरे फरसे क्या के दराती सर न्यार खाटन या दिली न्यार खाटे बताओ ये इन फरसे हां बताओ ये भाई दराती ये फरसे वा इनके तो ये फरसे ये तो भाई न्यार खाटो भाई न्यार दांगा उठाला मते लिया दो अच्छा अच्छा घोड़ा ये पुराने से घोड़ा ले घोड़ा के बाद देखो भाई बार मस्जिद गाटी खड़ी थी अरे पितर घोड़ा ना ना छोरी माया कीता घोड़े गड्डिया मारे ना ना के तार ये सही है अच्छा। बड़ा का के छोटे के बेटा नी चासा घर नी अमित रे उ टोकनी के तले देख भाई कुछ हो ना देख जा कुछ हो ना आराम खाली हो रे तू बड़ी अच्छा गणी गणी पापड़ बड़े यार खाली खाली चलो फिलहाल आप देखो ये लाइव तस्वीरें नवीन जैन का करते हैं और फिलहाल जिस बला जो सारा मामला है परावर की जमीन की घोषणा होली हालांकि दबाव पड़ा सरकार पे और वह घोषणा होली भी जमीन दे दी गई है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव कल मनाया जाऊंगा हनुमान की भी साग व्रत करो हनुमान के अच्छा लादू हनुमान भी और परशुराम भी कठे सब कट्ठे कर दिए आड़े जो आड़े लादू ठीक अरे आज टंकी में देख ले तू खेरा टंकी देखी आप कुछ नहीं लगो रे बेटा अच्छा ये कुछ नहीं मार दो देख यो तो कुछ नहीं वो देख ले हाथ मार के देख ले तसल्ली कर ले गुरुजी तो भाई देख मेरे पास बुढ़ा बताओ मैंने एक बात याद आएगी एक बुढ़ा बीमार हो गया डॉक्टर बुला लिया हाँ। और डॉक्टर ने मरिया घोषित कर दिया बोला मर गया बुढ़ा उठकर बोला ना मैं जीव हूँ हाँ। बोला बुढ़े पड़ जाए इतना बड़ा डॉक्टर के झूठ बोला है तो तू कहने लगी थी तू एक बार रसोई में और चल भाई आज रसोई में और देख लिया आ जा भाई फिलहाल देखो आप ये है हाँ जी आप नवीन जैन क्या लगते हैं मैं उनके छोटे भाई की बहू अच्छा अच्छा आपके जेठ जी अच्छा अच्छा घर हाँ कुछ करते नहीं योगदान में नहीं वो आते ही नहीं है बहुत कम आते हैं यहाँ पे अच्छा अच्छा जी बहुत टाइम तो मतलब एक एक साल बाद आते हैं यहाँ पे बहुत टाइम हो गया उनको आए अच्छा अच्छा आपके जेठ जी हैं हाँ जी जेठ जी और आप पहुँचोगे कल हाँ जी देखेंगे मतलब वैसे साधन वगैरह हो तो फिर मम्मी को भी भेज देते हम पर अभी है नहीं यहाँ पे कुछ ये देखो भाई बहुत बड़ी बात लिख के आई भाई फिलहाल फिलहाल देखो ताई तो पैदल जाती दिखे ना तारे को नू वह नू कह बहू नू कह बिलकुल मैं गाड़ी घोड़ा तुम्हारे पे नहीं साधन होगा तो जावांगे भाई तू ले साजी मत तेरी गैल साल करूं अच्छा हाँ मत राजी सु तू मां तो हाथ तो ले जाए इसका कहल तो मंबरे निकट हैं हैं दिखा अरे मेरे पानी जाकती आज रहे पड़े तक ये लोग रखे यार पानी जाकती है टूटे बुढ़ी आगे के टूटे कासन बहु जाई सही था यो देख लिया टोकनी ये पानी में जा करती चलो फिलहाल छोटी टोकनी गिलास कट्ठे कर रखी तो नवीन जैन का आलीशान बंगला की आलीशान तस्वीरें आप देख रहे हो खूबसूरत नजारा है अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय तस्वीरें हैं और माता जी की जो ड्रेस आप देख रहे हो फिलहाल बहुत हीरे जड़े हुए हैं कपड़े भर रहे हैं देखिए हीरे नगिन्ने आज ऊपर आ जाओ चप्पल ये भी चप्पलें तो चिपली होगी चिपली ये भी चप्पल चिपली है ले भाई देखो ये देखो भाई ये वो तस्वीरें हैं जो आपकी आंखें हम पानी लैस के हैं नवीन जैन की माँ है और उनकी ये चप्पल को नहीं चिपली है चिपली भाई चिपली धरती में और देख मत गणातन आओ तीनू भाई घर बैठे गणातन आओ देख बेटा कुआ दुनिया का गांव का पानी गंद पड़ा है मेरे घर में यो भी उठा नहीं होता मारे तो बेटा अच्छा करा बता सारे घर बैठे मन तो न्यू भी सोतर मत अपने बेटे न्यू बेटा मन न्यू मैं देश की सेवा कर तू अच्छा बस मैं हाथ जोड़ू तेरी जिंदगी बनाओ तू देश की कर वो तो देश की सेवा खतर छोड़ हाँ न्यू ईयर जमिया था बेटा मुझे चलो भावुक हो गई इस टाइम नवीन जयंत की माँ और फिलहाल सुबारा पापा चलांगे आ जाओ ले भाई कैमरा पाँच छह दो किलोमीटर पाँच रह गया तू दो चलो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हमने दिखाई हैं नवीन जयंत का आलीशान बंगला आपने दिखाया है और एक सवाल मैं जरूर करूंगा फिलहाल जो माँ के आंसू हैं और जो भावुक है नवीन जयंत की माँ तो ये वह तस्वीरें हैं जो आपकी चौन तोड़ सके हैं जो आपकी वह चौन तोड़ देगा भाई कुछ लोग नू भी कह रहे होंगे भाई नवीन जयंत के पास के है आज अंकल जी एक चीज और बताओ और कितने भी आ रहे हैं प्लाट प्लूट को मकान मकुन और कोठी काट रखेगी कितने और भी अच्छा अच्छा
चलो बाकी एक कोठी बनेगी उसका तो ईंट मंगा रखी भाई, ये देखो। हाँ बनेगी, ईंट मंगा ली। अच्छा चलो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे संसार क्रांति पे, आप भैंसरू कला से लाइव जुड़ रहे थे और इन तस्वीरों पर हम छोड़ कर जावा। फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं जड़े ईडी वाले चेकिंग कर सके हैं भाई, टोकने के नीचे के पाऊगा पाना के था पत्ते पाऊंगे धूल मिट्टी पाऊगी और भाई अड़ंगा पटड़ा हो रहा है। बाकी ईडी आवे तो चेक करे, अभी नवीन जैन का यू आलिशान घर क्यों बने पीछा करता आया और इतना जबरदस्त माँ के जो पैरा में वो ऑटोमेटिक चप्पल जो कि आपको मजबूर कर दे कांडा लग दे ठाले पैर नहीं तो और बैठा भीतर कांडा। चलो ये तस्वीरें आप देख रहे हो और इन तस्वीरों में छोड़ के जाऊं पीछे आप देखोगे टंकी का निकल के छोड़ दे, ये जो बर्तन भांडे ऊपर पड़े हैं इस लेटरिन बाथरूम की छत पे तो ये उस बात का परिचायक है कि नवीन जैन कितनी तकड़ी धूल झोंक रहा है आख्या में। आप बताओ ये जो बातें आई थी अगर नवीन जैन ने बिरन के कर लिया के यह है वह हकीकत जिसका ऊपर तुमने पर्दा उठाया है रजाई का उछाड़ तैरा है और तर तर दिखाया है लोग गड़गड़ करते बैठ रहे हैं। पूरा गांव का नीचा मकान है। अच्छा बस जमीन तो जुड़े मानस नहीं यू नो का है अमित का रह बला न्यू सुन माए गांव के अंदर बैसरू कोला में सबसे नीची कुर्सी का मकान है यू। फिर जीवे तो कौन जमीन तो जुड़े इंसान ही है बिल्कुल। माता जी आपके बेटे के जो चाने वाले हैं वो नु कह रहे हैं बोला रोवो ना भगत सिंह आपका बेटा रोवो मत। चलो मैं आ रहा हूं नीचे आ जाओ। चलो भाई चलो फिलहाल हाँ ताई नु कह रहे हैं रोवो मत आपका बेटा भगत सिंह है पुराना जीता पुराना बीमार शमार की दे मेरी तो सारी रात नींद नहीं आ उठी खड़ी रहूं बिना के रात आंडे में दर्द दोनों पाया मैं साथ में कुछ उठता नहीं बोझ इमनू है छोटे हो गए ये पोता पोती एक आधा डगाना पड़े भी था काम। और भाई कौन से है भाई ये दो एक तो ये पप्पी से है एक लाला से एक यो संदीप ना तो लाला ने नौकरी बेटा थी ना ही संदीप ने। चलो इन तस्वीरों में मैं छोड़ के जाऊं हूं कमेंट करके आप बताइयो जो तस्वीरें नवीन जैन के आलिशान बंगले तमें लेकर जुड़िया था थारी उसके बारे में के राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान। बहुत बताए धीरे बेटा मन ने के दे रहा मैं तो न्यू कह दी थी भाई क्यों मैं तो दो रही फेरता है नहीं फेरता है कोने मन तो दो मिनट में के बुझ बेटा फिर वहां बात आ गई नहीं नौकरी करता तो फिर उस खातर के करता हाँ। समाज खातर के फिर तो नौकरी नौकरी के चिपड़ के नौकरी का चपटा रहे समाज ताई तो नहीं हुए।